बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और हमेशा की तरह मुझे भी अपनी दुआ में याद करते होंगे। मैं तरन्नुम लारी, लारी फैशन पॉइंट से आपसे जैसा कि वादा किया था कि आपको वेलवेट के सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी और डिज़ाइनर सूट्स वगैरह लेकर के आऊँगी, तो आज मैं आपको लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी सारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। विंटर सीजन चल रहे हैं और मोटे कपड़ों की ज़रूरत होती है, वो डिज़ाइनर हों तो क्या ही बात है। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत ही स्पेशल से आपको डिज़ाइन लेकर के आई हूँ वेलवेट के, जिससे आप देख करके अपनी ड्रेसेस बना सकते हैं। विंटर सीजन में शादियाँ बहुत होती हैं, वेडिंग सीजन ही है, आपको पता ही है। तो इस वक्त हमें स्वेटर वगैरह अपनी ड्रेस के ऊपर अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके की अगर वेलवेट की अगर ड्रेस होती है, उस पर डिज़ाइनिंग अच्छी हुई है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह अच्छी है, दुपट्टे अच्छे से बने हैं, तो आपको ये सूट वहाँ जाके पहनने में, मैरिज हॉल वगैरह में या कहीं भी कोई ऐसा ओकेजन पार्टी वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऊपर से स्वेटर वगैरह ही डालें या जैकेट्स डालें, ये थोड़ा सा शादी वादी के टाइम में थोड़ा भद्दा सा लगता है। तो इसके लिए ये मोटे कपड़े के ऊपर वेलवेट बहुत चलती है, वेलवेट है, शनील है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चलती है। इस वक्त में बनारसी के कपड़े भी खूब चलते हैं, जैसे चंदेरी हो गई, ब्रोकेट्स हो गया, तो इस तरीके के कपड़े बहुत ही पसंद किए जाते हैं। इस ख़ास करके ये वेलवेट के सूट तो बहुत ही खूबसूरत अब बनने लगे हैं, पहले की तरह सिंपल सिंपल से नहीं है, पूरे डिज़ाइनर लुक के साथ आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं एक से एक एम्ब्रॉयडरी की हुई है, पता ही नहीं लगता है कि ये वेलवेट के सूट हैं, और शाइनिंग वाले भी हैं और डल शेड वाले भी हैं। इस तरीके के आप अपना बनवा करके पहन सकते हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं बहुत सारी पैचेस भी आती हैं। पैचेस के ऊपर भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरीके की डिज़ाइनिंग बनी हुई एम्ब्रॉयडरी की हुई पैचेस आती हैं। वो आप लेकर के सिंपल सा अगर आपने शनील या वेलवेट का कपड़ा लिया है तो उस पर आप अपने टेलर से कह के या डिज़ाइनर से कह के लगवा सकते हैं, वो बहुत ही कम दाम में हो भी जाता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो देखिए आपको यहाँ से डिज़ाइनिंग का एक से एक आइडिया मिलेगा, कैसे आस्तीन पे, गले पे, दामन में या फुल ड्रेस के ऊपर है, और गाउन जैसा भी बनवा सकते हैं। लॉन्ग कमीज़ वेलवेट की बनवा करके उस पर आप लेस की पैचिंग करवा सकते हैं, शॉर्ट में भी बनवा सकते हैं और एक जैकेट किसी रोल में भी आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह कट्स में भी बनवा सकते हैं। आप यहाँ पर चंदेरी की पैजामी बनवा लीजिए, इस तरीके के शख्स के स्टाइल में बना सकते हैं। तो आपको बहुत सारी डिज़ाइन या आइडिया यहाँ से मिलेगा, आप लेकर के जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं। और इस तरीके देखिए डिज़ाइनिंग आपको मिल रही है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, तो सोबर एंड सिंपल है और अच्छा भी लग रहा है। आप कहीं भी जाएँ आपका एक अलग ही लुक होगा और पसंद भी किए जाएंगे। पैंट के साथ बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत तरीके से आप एक जैकेट के उसमें स्टाइल में बनवा लें या फ्रॉक में बनवा लें शॉर्ट, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। सिंपल जैसे कि मैंने बताया था, पैच करके दुपट्टे में, शलवार में या पैंट में और ऊपर कमीज़ में भी आप बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं कम पैसों में, चीप एंड बेस्ट जिसको कहते हैं। देखिए इस तरीके की भी आप बनवा सकते हैं, आपको पसंद कैसा है, आपको कैसा लेना है। ये देखिए, ये अगर आप ब्रोकेट की पैंट के साथ ये लॉन्ग जैकेट टाइप का बनवा लें तो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पैंट को उन्होंने डिज़ाइन कलरफुल बनवा दिया तो उस वजह से वो अच्छा लग रहा है। ये सब पैचेज़ हैं, मैं पैचेज़ को आपको बताया कि मैं पैचेज़ के ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप वीडियो देखिए, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारी डिज़ाइनिंग है, इंशाल्लाह मैं और गाउन के ऊपर भी डिज़ाइनिंग लेकर के आऊँगी वेलवेट की, तो आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं देखा कीजिए प्लीज़, इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस और आइडियाज़ और फैशन के अकॉर्डिंग चीज़ें लेकर के आ सकूं और आपको एक से एक डिज़ाइन और आइडिया से रूबरू करा सकूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिए, खुशहाल रहिएगा और मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा।
तो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।